स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर के अंतर्गत यानी आज के वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे मेरे भाई किस बारे में, तो आज के वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के नवीनतम पाठ्यक्रम अर्थात न्यू सिलेबस के बारे में, जो कि 2022 और 23 की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सिलेबस के माध्यम से हम इन टॉपिक्स के माध्यम से, जैसे कि यह सिलेबस जो है हो सकता है आपकी बुक में मेरे प्यारे दोस्तों एक आध दो चैप्टर ज़्यादा हो या एक आध दो चैप्टर कम हो सकते हैं, तो इसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप अपने सिलेबस को एक बार अवश्य देखिएगा। वैसे अधिकतर विश्वविद्यालय यही सिलेबस रखते हैं और अभी तक यही सिलेबस है, और एक प्रकार से नवीनतम सिलेबस की दृष्टि से देखा जाए तो यही आपके पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिरकार जैसे हमने लिखा ऐसे ही आपके सिलेबस जो है होते हैं, आपके जो बुक में सिलेबस मिलेंगे चैप्टर वाइज, जैसे कि हो सकता है कि जो चैप्टर हमने पहला लिखा हो दूसरा लिखा हो वो हो सकता है आप में चौथा या तीसरा या पांचवा मिल जाए, तो इसमें आपको मति भ्रम नहीं होना है। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों आपको इसमें से मतलब कि यही सारे चैप्टर आपको इसके अंतर्गत पढ़ने होते हैं। एक बात समझिए, अगर आपके पेपर का नाम है भारतीय समाज मुद्दों समस्याएं और इसी पेपर को इसे एक यूनिवर्सिटी कोई है उसमें इसी को सामाजिक विघटन के नाम से भी जाना जाता है, तो यदि आप सामाजिक विघटन आपके पेपर का नाम है या मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं आपके पेपर का नाम है, तो सेम यही के यही मतलब इतने टॉपिक्स होते हैं जिनसे आपके एग्जाम से प्रश्न बनते हैं। और भी टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस की बात की जाए तो इसी के अंतर्गत सभी टॉपिक्स समाहित हो जाते हैं। जैसे निर्धनता पढ़ेंगे तो उसी में गरीबी वगैरह सब आ जाएगी आपकी, तो मेरे प्यारे दोस्तों बेकारी वगैरह सब इसी में हम पढ़ लेंगे निर्धनता के अंतर्गत ही। तो कहीं ना कहीं पे जब हम भारतीय समाज यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंडियन सोसाइटी इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स, तो इशू क्या है अपने भारत में यानी क्या क्या इशूज़ हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सारे के सारे इशूज़ यानी सारे के सारे जो मुद्दे हैं और सारे के सारे जो समस्याएं हैं उन दोनों को हम पढ़ेंगे किसके परिप्रेक्ष्य में, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे अर्थात भारतीय दृष्टिकोण से हम देखेंगे, भारत के समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और भारत के मुद्दों के बारे में हमको चर्चा करनी होती है। बीए सेकंड ईयर में आप पहुंच चुके हैं, बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा हुई नहीं, आप लोग प्रमोट होकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्रकार से सही तरीके से इन टॉपिक्स को हम समझेंगे। और यह जो आपके सामने सिलेबस यानी बोर्ड पर आपको दिखाई पड़ा होगा लिखा, यह मेरे प्यारे दोस्तों अध्ययन की सुविधा के हिसाब से इसको हमने जो है बांटा है, ध्यान रखेंगे, या किसी बुक वगैरह में आपको ऐसे जो है सेम टू सेम नहीं मिल सकता है, यह बात ध्यान रखेंगे। अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हमने अलग अलग टॉपिक्स में मतलब कि लगभग 25 अध्याय आपके अगर आप पढ़ लेंगे, 25 अध्याय यह हैं पूरे के पूरे, हमने पूरे के पूरे सिलेबस को कितने अध्याय में बांटा है, तो हमने इसको 25 अध्याय में जो है कैटेगराइजेशन किया मतलब बांटा है। और यह 25 अध्याय जो होंगे लगभग इसके 25 लेक्चर जो होंगे आपके जो है YouTube चैनल पर डाले जाएंगे, ध्यान रखेंगे। और यह बात भी ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और जो ये सब पढ़ाया जाएगा यह एक प्रकार से नवीनतम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग और नवीनतम शैली अर्थात किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए बताया जाएगा यहाँ पर। और समझने का प्रयास क्या करेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा एक प्रकार से आज की वीडियो में जान लेते हैं, उसके बाद में हम चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले बता दूँ इसका जो है अगले साल यानी कि 2021 की परीक्षा की बात की जाए तो 2021 के लिए हमने जो है इन सभी टॉपिक से संबंधित वीडियो प्रॉपरली बना दी है, तो तब तक के लिए जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती तब तक आप इन टॉपिक्स के माध्यम से इन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं। उसमें हमने PPT के माध्यम से समझाया है, किसके माध्यम से, तो PPT के माध्यम से हमने उसमें आपको समझा दिया, मतलब कि जो है मोबाइल के माध्यम से जो है एक प्रकार से पिक वगैरह के माध्यम से, जैसे निर्धनता क्या होती है, निर्धनता को हमने लिखा उसके नोट्स बनाए उसको आपको समझाने का प्रयास किया है, तो अगर आप उसको देख लेते मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको ये जो है लेक्चर देखने की आवश्यकता वैसे नहीं होगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता दूँ एक नए तरीके से नई पहल आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, और सब्जेक्ट की भी आपके सामने आएंगी तो बिल्कुल चिंता ना करें। आपकी सोशियोलॉजी जैसे ख़त्म होती है या फिर आपकी जो है कोई भी ख़त्म होती तो आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य या इसी प्रकार से संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी लिटरेचर यानी इंग्लिश साहित्य, इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों तमाम प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे कि और बात की जाए जियोग्राफी हो गया आपका, और इसी प्रकार से मनोविज्ञान हो गया आपका, दर्शन शास्त्र हो गया आपका, और एक प्रकार से जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं मिलिट्री साइंस यानी कि जो है सैन्य विज्ञान, तो इन सभी के लेक्चर्स आपके सामने आएंगे। बस मेरे प्यारे दोस्तों आपको रात के 9 बज चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 9 बजे लाइव आपकी क्लास डेली समाजशास्त्र की, तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें और मेरे प्यारे दोस्तों बताएं कि हाँ सर मैं तैयार हूँ। तो एक लेक्चर डेली आपको, जैसे कि आज मैं इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा, पूरे के पूरे सिलेबस को
आपको समझाने का प्रयास करूँगा, उसके बाद में निर्धनता को लेकर के मैं समझाऊँगा, यानी एक चैप्टर लूँगा निर्धनता, एक वीडियो में निर्धनता खत्म होगा। इस प्रकार से आपका 25 दिन का एकदम से बिल्कुल फ्री में 25 दिन का कोर्स जो है अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो जो व्यक्ति पढ़ने के इच्छुक हैं वह वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, अधिक मात्रा संख्या में लोग आएँ मेरे प्यारे दोस्तों और इस सेशन को अटेंड करें। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तो क्या आप लोग साथ हैं इसको बताएँ और ध्यान रखेंगे लगातार आपको बने रहना है। रात 9 बजे से रात 10 बजे तक एक घंटा आपको प्रॉपरली हमको देना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, डेली दीजिए और एक प्रकार से इसको पढ़िए। बहुत सारे छात्र छात्राएं कह रहे हैं कि सर बीए थर्ड ईयर का भी क्लास करवाइए, बीए थर्ड ईयर का भी क्लास करवाइए, बीए थर्ड ईयर, तो बीए थर्ड ईयर का भी सोशियोलॉजी जल्दी आपके सामने स्टार्ट होगा। बीए फर्स्ट ईयर वालों का लेक्चर जो है अपलोडेड है, उसको बीए फर्स्ट ईयर वाले आप लोग देख लीजिएगा अगर जो देख रहे हैं, और बीए थर्ड ईयर का आपके सामने जल्दी, तो बीए थर्ड ईयर का जो है इसके बाद में मेरे पास बीए थर्ड ईयर का भी लॉन्च कर दूंगा। बीए थर्ड ईयर की समय सीमा आप लोग बता दीजिए कि कब पढ़ाया जाए, दोपहर में पढ़ा दिया जाए या शाम को या सुबह में पढ़ा दिया जाए, जब भी आप सुटेबल समझे आप बता दीजिए, उसको मैं पढ़ा दूंगा। तो मेरे भाई आपको यहाँ पर समझने की बात होगी कि ये सारे के सारे लेक्चर यानी 25 लेक्चर आपके इसको पढ़ना पड़ेगा, और 25 लेक्चर के बाद में उसके बाद में मॉडल पेपर हमारे चैनल पड़े हुए हैं और तमाम सारे यूनिवर्सिटी के 2021 के पेपर 2020 के हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप सभी पेपर्स को हल करने का प्रयास करें उसके बाद में, और इन सभी टॉपिक्स के माध्यम से देखेंगे, बस इतने से ही आपका जो है काम हो जाएगा, मात्र 25 लेक्चर, और आप मेरे प्यारे दोस्तों आपको टॉप करने से एग्जाम्स में कोई नहीं रोक सकता। तो आसानी से पढ़ने का प्रयास करें शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ, ओके, बड़े ही गंभीरता से समझेंगे एक एक मुद्दे को। चलिए अब बात करते हैं आखिरकार आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए बी एस सेकेंडरी सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर इंडियन सोसाइटी एंड इशूज एंड प्रॉब्लम्स न्यू सिलेबस 2022-23 के लिए इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखिए कक्षाएं जो हैं एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल फ्री में आपको दे रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और पीपीटी के माध्यम से बात की जाए तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए निर्धनता, पहला चैप्टर आपका है निर्धनता। निर्धनता मेरे प्यारे दोस्तों क्या होती है, एक मिनट में सबको थोड़ा थोड़ा ओवरली बताते हुए आगे बढ़ूंगा। निर्धनता क्या होती है, निर्धनता यार था जिसके पास क्या हो, निर्धन हो, मतलब कि उसके पास क्या ना हो, धन ना हो, ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन ना हो, या ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन हो लेकिन उतने धन से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पा रही हो, तो इस प्रकार के धन को, इस प्रकार के धन होने को भी हम निर्धनता कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि निर्धन व्यक्ति के पास धन नहीं होता, उसके पास पैसा नहीं होता, पैसा होता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता जिससे उनकी जो एक प्रकार से दैनदिनी की अर्थात जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं उनकी वो एक प्रकार से पूर्ति कर सके, उन जो है विनिमय के माध्यम से, उन जो है पैसों के माध्यम से विनिमय कर ले वस्तुओं का, इस प्रकार से नहीं हो पाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर निर्धनता की, निर्धनता एक ऐसी व्यवस्था या फिर ऐसी प्रक्रिया या फिर मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी स्थिति होती है जिस स्थिति में व्यक्ति ना तो अपना जो है भरण पोषण कर पाता सही तरीके से, ना तो अपने आश्रितों का कर पाता, आश्रित कौन यानी उसके जो है बीवी बच्चे या फिर उसके जो है प्रकार संगोष्ठी वगैरह यानी जो उसके घर में रहते हैं जिसका उस पर जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाता कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाता किसके माध्यम से, कि क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, इस माध्यम से वह अपने और अपने आवश्यक मतलब कि जो उससे रिलेटेड हैं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है, निर्धनता कहलाती है। निर्धनता को एक प्रकार से भारतीय सरकार की बात की जाए तो उसने तमाम सारी कमेटी के माध्यम से इसको जो है परिभाषित करने का प्रयास भी किया है, गिलिन महोदय, गेंडिस महोदय, इसी प्रकार से तमाम सारे लोगों ने निर्धनता को परिभाषित किया है। निर्धनता को समझेंगे, इसके कारण को समझेंगे, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं, निर्धनता की परिभाषा को देते हुए निर्धनता के विभिन्न कारणों का उल्लेख कीजिए या भारत में निर्धनता के विभिन्न कारणों का उल्लेख कीजिए, ऐसे आपसे पूछेगा कि निर्धनता से आप क्या समझते हो, निर्धनता के द्वारा भारतीय समाज पर क्या परिणाम पड़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, इसका मूल्यांकन कीजिए, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपका बन सकते हैं। तो दुनिया का कोई भी प्रश्न निर्धनता से बनेगा अगर आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो नहीं छूटेगा, कारण परिणाम और इसकी अवधारणा यानी निर्धनता का अर्थ यानी मीनिंग एंड डेफिनेशंस इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट। तो हम समझेंगे निर्धनता की अवधारणा को, वैसे निर्धनता को लेकर के एक वीडियो प्रॉपरली बनी है उसको देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, निर्धनता हम समझें। उसके अंदर क्या होता है, जातीय असमानता, जातीय असमानता, असमानता वाला समझते हैं जो समान ना हो, आ हो क्या हिंदी में जब आ लग जाता है आगे किसी शब्द के तो क्या बोलते हैं उसको, तब मेरे प्यारे दोस्तों उसका मतलब हो जाता नहीं, तो समानता नहीं किसमें, जातियों में, जब जाति में समानता नहीं होती उसी को जातीय असमानता कहते हैं। जातीय असमानता समझ लीजिए कि एक जाति दूसरे जाति यानी जातिवाद की जो समस्या होती है, जातीय असमानता इसी को हम जातिवाद बोल सकते हैं,
तो जातिवाद या फिर जाति समस्या, इसको भी हम समझेंगे। तो जातिवाद समझते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बड़ा अफसर है, अब उसका जाति मतलब कि मान लेते कोई बड़ा अफसर है एक प्रकार से किसी चीज़ का, उसको मतलब सरकारी नौकरी निकलती है, या फिर कोई ऐसा मुद्दा होता है कि वह मूल्यांकन कर रहा होता है किसी, मतलब कि इंटरव्यू मान लेते हैं, इंटरव्यू का 4 पैनल है, इंटरव्यू हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें 4 पैनल हैं और 4 पैनल मान लेते 3 व्यक्ति किसी एक जाति का है, मान लेते हैं 3 जो है किसी एक जाति का व्यक्ति है और एक किसी अन्य जाति का व्यक्ति। जब सामने वाला पहुंचता है और मान लेते हैं वह व्यक्ति जो पहुंचा इंटरव्यू देने वह इन तीनों की जाति से मैच करता है, तो जाहिर सी बात है इस जाति वाले बंदे को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इस जाति वाले बंदे को नौकरी नहीं मिल पाएगी क्योंकि यहाँ पर जातिवाद की भावना हो जाती है। आपकी जाति की क्या गलती है या फिर गलती नहीं है, आप इसको जाने बिना अपनी जाति की तरफ से भाला लाठी उठा करके पहुँच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पर यह होता है जातिवाद। जातिवाद को सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक परिप्रेक्ष्य से हम समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास जातिवाद के क्या कारण है, जातिवाद क्या है, जातिवाद के परिणाम क्या क्या हैं, जातिवाद से भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, जातिवाद का वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है, फिर वर्तमान में जो है एक प्रकार जातिवाद की एक प्रकार से जो फोटो है, मतलब कि जातिवाद की एक प्रकार से जातिवाद किस तरीके से चरम सीमा पर है, उसको बताने का प्रयास करूँगा। अभी हाल ही में एक मुद्दा हुआ था, उसमें जातिवाद एक चरम सीमा पर आ चुका था। जातिवाद आता नहीं है लोग, क्योंकि जनमानस जो होते हैं उनको कौन भ्रमित करता है, जो नेता मंत्री होते हैं या फिर जो बड़े लोग होते हैं उन वही जा करके क्या करते हैं, न्यूज़ चैनलों पे क्या बोलते हैं, जातिवाद की भावना को प्रेरित करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों विकास दुबे वाला मुद्दा, विकास दुबे वाला मुद्दा आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है जातिवाद की भावना को एक प्रकार से पनपा दिया गया था लोगों के अंदर, और बार बार ये चीज़ें कि ब्राह्मण को मारा गया, ब्राह्मण को मारा गया, ये अरे भाई आप गलत कर्म करोगे, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई अलग संप्रदाय का लोग हो, आप चाहे जो भी होंगे गलत करेंगे तो उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। क्या विकास दुबे ने जो जिन पुलिस वालों को मारा हुआ ब्राह्मण नहीं थे, तो आपको भरा जाता है कि बहुत सारे जो है मीडिया चैनल पर तमाम सारे लोग आते हैं जो कि धर्म के ठेकेदार खुद को बताते हैं, वह मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक प्रकार से वरगलाने का प्रयास करते हैं, आपका माइंड एक प्रकार, जब आप मीडिया चैनल आप मान लेते डिबेट आप 10 दिन सुन लो ना, संप्रदायवाद, धर्मवाद, जातिवाद, जितना भी वाद है या एक प्रकार सारा का सारा वाद आपके अंदर आ जाएगा। आप किसी मुस्लिम्स को देखेंगे तो उससे घृणा करेंगे, आप किसी हिंदू को देखेंगे तो घृणा करेंगे, आप किसी अन्य जाति के लोग को देखेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय से द्वेष करेगा, क्षत्रिय ब्राह्मण से द्वेष करेगा, इसी प्रकार से जो है शूद्र वर्ग का लोग वैश्य वर्ग का लोग क्षत्रिय से, क्षत्रिय का ब्राह्मण से, ब्राह्मण शूद्र से, इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है जो व्यवस्था बनी हुई जजमानी व्यवस्था पहले चलती आ रही है वह क्या हो जाएगी एक प्रकार से क्रैक हो जाएगी। तो कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों लगातार आप डिबेट वगैरह मत सुनिएगा, और ऐसे डिबेट को सुने जो कि एक प्रकार सार्थक हो, आपको डिबेट ही सुनना है तो आप राज्यसभा टीवी पर जाकर के डिबेट सुने, वहाँ का डिबेट आपकी IAS परीक्षा में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जातीय असमानता यही होती है, ठीक आगे समझते हैं। और जातीय असमानता में आप आरक्षण वगैरह का भी मुद्दा कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें समझेंगे हम। लैंगिक असमानता क्या होती है, लैंगिक मतलब क्या होता है, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी इसको बोलते हैं, ठीक इसको कास्ट इनइक्वलिटी बोलते हैं। यहाँ पर समझे लैंगिक असमानता मतलब क्या होता है, अर्थात लिंग के आधार पर किसी महिला या पुरुष में भेदभाव किया जाना ही क्या कहलाता है, लैंगिक असमानता कहलाता है। उच्च या निम्न जाति के आधार पर भेदभाव किया जाना क्या कहलाता है, जाति मतलब कि एक प्रकार से जातीय असमानता कहलाता है। तो जातिवाद को समझेंगे, उसके अंदर जातिगत असमानता को हम समझेंगे, ठीक है एक ही लेक्चर के अंतर्गत, दूसरा लेक्चर ये हो गया, अगर तीसरा लेक्चर में जाति का मतलब लैंगिक असमानता समझेंगे, अर्थात आप देखते होंगे स्त्री मतलब कि जो है लड़कियों को ये नहीं करने दिया जाएगा, लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती, ये नहीं है वो नहीं, तमाम प्रकार चीज़ें पहले हुआ करती थी, आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। आज लगातार समाज क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, लगातार समाज में एक प्रकार से नगरीकरण की एक प्रकार से व्यवस्था पनप रही है, उद्योगों का विकास हो रहा है, नगरों का विकास हो रहा है, इसके साथ साथ शिक्षा के विकास के साथ साथ अब नर नारी एक समान यानी अर्थात लैंगिक समानता अब कहीं ना कहीं पे जो उच्च वर्ग का समाज है अर्थात जो उच्च वर्ग नहीं बोल सकते उसको मेरे प्यारे दोस्तों वहाँ पर भी कई प्रकार की अब इस मामले में हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ गाँव के मामले में शहरों में जो लैंगिक असमानता है वह कम है, गाँव में लैंगिक समानता अधिक मात्रा में है, यह आप कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर लैंगिक असमानता को समझेंगे। वहीं अल्पसंख्यकों की भी समस्याएं कुछ होती है, अल्पसंख्यक कौन कौन है भारतीय समाज की बात की जाए, और यहाँ पर कैसे अल्पसंख्यक होंगे, क्षेत्रीय अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे अल्पसंख्यक मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्षेत्रीय अल्पसंख्यक, और यह क्षेत्रीय शब्द का मतलब समझते हैं, रीजनल जो है माइनॉरिटीज जो होती हैं उन्हीं को क्षेत्रीय अल्पसंख्यक कहा जाता है हिंदी में। इसका मतलब जैसे भारत की बात की जाए, भारत में कौन कौन माइनॉरिटीज़ हैं मेरे पास, तो कई प्रकार की भारत में माइनॉरिटीज़, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे
मुस्लिम्स जो है एक प्रकार से अब माइनॉरिटीज़ की संख्या में मुस्लिम्स नहीं हैं, मुस्लिम्स अब एक प्रकार से बहुसंख्यक हैं, ठीक है। और आगे वही बात की जाए, सिख हो गए आपके, उसके बाद में और क्या हो गए, बौद्ध, जैन धर्म वाले, यहूदी, और इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं पारसी। तो ये सारे के जो धर्म के लोग हैं, ये हो गई क्या मेरे प्यारे दोस्तों, ये धार्मिक जो है क्या हो गई आपकी, अल्पसंख्यक। तो धर्म के मामले यानी कि कौन सा धर्म, भारत देश की बात की जाए तो भारत में सबसे अधिक धर्म कौन सा, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धर्म है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हिंदू धर्म है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धर्म प्रचलित है, तो हिंदू धर्म है। दूसरे नंबर पर आपका कौन है, मुस्लिम्स है। इसी प्रकार सिख, बौद्ध धर्म, यहूदी, पारसी, ये सब हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं पर ये सब क्या हैं, जो है धार्मिक हिसाब से, संप्रदाय के हिसाब से क्या हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। लेकिन क्षेत्रीय अल्पसंख्यक हुआ है, अल्पसंख्यक होते हैं किसी क्षेत्र विशेष में। मान लेते हैं मुस्लिम्स की जनसंख्या जो है एक प्रकार से 70% हो, किसी जो है एक प्रकार से जो है बात की जाए, किसी जो है इलाके में, किसी स्थान विशेष में मुस्लिम जनसंख्या 70% है, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसमें माइनॉरिटीज़ मान लेते हैं हिंदू कितनी है, हिंदू मेरे प्यारे दोस्तों आपकी मान लेते हैं वहाँ पर 30% हिंदू निवास करते हैं और 70% मुस्लिम निवास करते हैं। तो उस स्थान पर क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के हिसाब से देखा जाए तो 30% जो हिंदू निवास करते हैं वह हिंदू क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे। समझ में आ रही बात है ना। तो अल्पसंख्यक जो है एक प्रकार से अल्पसंख्यकों के निर्धारण के कई आधार होते हैं, उसमें चाहे आप क्षेत्र को आधार बनाइए, किसी स्थान को आधार बना करके करें, चाहे किसी जाति को एक प्रकार से अल्पसंख्यक मान करके करें कि हाँ फलाने जाति के लोग वहाँ पर, उसे जाति अल्पसंख्यक आपको नहीं पढ़ना होता है। लेकिन अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक को बारे में हम देखते हैं, आप देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सिख धर्म के लोग पंजाब में अधिक मात्रा में रहते हैं, तो वहाँ पर सिख जो है बहुसंख्यक हैं, जबकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम्स कैसे हैं, हिंदू मुस्लिम, जैन, यहूदी, बौद्ध, ये सब कैसे हैं, ये सब अल्पसंख्यक हैं यानी माइनॉरिटीज़ हैं। और जो है सिख वहाँ पर क्या है, मजोर स्थिति में, मतलब कि मजोरिटी वहाँ पर उनकी है। तो माइनॉरिटीज़ और मजोरिटी मतलब एक प्रकार से, तो एक प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो मुस्लिम्स अल्पसंख्यकों की भारत में क्या समस्या है, लगातार मुस्लिम्स लोग कहते हैं कि हम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मुस्लिम्स लोग नहीं कहते जो रहते हैं, उनके जो एक प्रकार से जो बड़े टीवी चैनलों पर जाते हैं वो कहते हैं कि मुस्लिम से खतरे में हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, मुस्लिम से जितने भारत में मुस्लिम सुरक्षित हैं उतना किसी स्थान पे सुरक्षित नहीं है। अभी आप अफगानिस्तान का मुद्दा देख रहे हो, तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया, आप देखते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं पर जितने भारत में मुस्लिम अल्प जो है एक प्रकार से क्या है सुरक्षित है, उतना किसी अन्य देश में नहीं सुरक्षित है, चाहे वह खाड़ी ही देश के तमाम सारे अरब, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरान, तमाम सारे देश हैं, उन सभी में उतना सुरक्षित नहीं जितना आपकी इंडिया में है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई अल्पसंख्यकों के निर्धारण के कई जो एक प्रकार से परिपेक्ष होते हैं और उनको हमको समझना एक प्रकार से है इस वीडियो के अंतर्गत, इस वीडियो के नहीं हम समझेंगे उसको चौथी वीडियो के, यानी कि चौथे वीडियो के अंतर्गत। तो अल्पसंख्यक क्या होते हैं, अल्पसंख्यक कितने प्रकार होते हैं, अल्पसंख्यक को जो है एक प्रकार से निकालने का कौन कौन सा फार्मूला होता है, अल्पसंख्यक कौन होगा कौन नहीं होगा या कैसे निर्धारित किया जाता है, भारत में अल्पसंख्यक को नापने का यानी मापने का अल्पसंख्यक कौन होगा, इसके लिए एक प्रकार से धर्म के मामले में देखा जाता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है कौन नहीं है, ठीक। तो किसी भी स्थान पर मान लेते हैं जहाँ पर कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में होंगे, कोई व्यक्ति किसी धर्म के लोग अधिक मात्रा में है तो वो बहुसंख्यक हो जाएगा, कम मात्रा में है तो अल्पसंख्यक हो जाएगा। समझ में आ रही बात है ना। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग को क्या कहते हैं आप अंग्रेजी में, OBC कहते हो ना, OBC जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं आप। तो OBC क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे। OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो दो कानून आपके, दो बिल जो है एक प्रकार से आए हैं सरकार के माध्यम से, एक काका कालेलकर जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, काका कालेलकर जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, काका कालेल जो है कालेलकर, ओके, जो है पिछड़ा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग आपका मेरे भाई उसकी अध्यक्षता किसने की थी, BP मंडल ने की थी। किसने करी थी, BP मंडल ने करी थी। इसीलिए इस आयोग को हम क्या कहते हैं, मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं। क्या, मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों पिछड़े वर्ग से क्या आशा है, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट जो होते हैं इनके बारे में हमको चर्चा करनी है। भारत में अदर बैकवर्ड कास्ट की समस्या और किस प्रकार से वो कौन होते हैं अल्पसंख्यक, मतलब कि कौन होते हैं, मतलब किसे पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं। पिछड़ा वर्ग से आपका क्या तात्पर्य है, भारतीय पिछड़ा वर्ग के बारे में डिटेल से यानी विस्तारपूर्वक समझाइए, ऐसे कुछ प्रश्न बनता है तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे 5वें वीडियो के अंतर्गत अपने। वहीं आगे समझते हैं हम थोड़ा सा,
जितने भी लोग नए नए जुड़ रहे हो ना भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी प्रकार से आपको तमाम सारी चीज़ों का समझाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों दलित वर्ग, आपको अगला है आपका छठवां लेक्चर के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, दलित। दलित क्या होते हैं? दलित जो है एक प्रकार से जातियों की जो निम्न जातियाँ होती हैं उन्हीं का एक प्रकार से समूह होता है दलित। दलित वर्ग के अंतर्गत बहुत सारी जो निचली जातियाँ निम्न जातियाँ हैं उनको हम रखते हैं, तो इनके बारे में समझेंगे भारत में इनकी स्थिति क्या है और एक प्रकार से दलित जातियाँ कौन कौन होती हैं इनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे लेक्चर 6 के अंतर्गत। ओके, दलित जातियों के बारे में समझते हैं। जैसे कि अब तमाम सारी जातियाँ होती वह कहना उचित ना होगा, जैसे जिनको हरिजन आप कहते हो, हरिजन वगैरह, या फिर जो निम्न कास्ट के लोग हैं, छोटे लोग, मतलब कि छोटे जाति के लोग हैं, मतलब जाति के हिसाब से छोटे जाति के लोग हैं, बाकी वैसे छोटा बड़ा कोई नहीं है, या बात ध्यान रखेंगे, तो वहाँ पर उनको हम समझेंगे जाति, मतलब दलितों के बारे में समझेंगे, ठीक, और पिछड़े वर्ग के बारे में समझ लेंगे। अगला है आपका मेरे पास दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर प्रश्न है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या होता है? जब किसी स्थान विशेष को ध्यान में रख करके किसी के प्रति लगाव होता है, सामुदायिकता एक प्रकार से उसमें पनपती है, उसी को हम क्षेत्रवाद कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बीए फर्स्ट ईयर में समुदाय, एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने समुदाय, तो समुदाय में मेरे प्यारे दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि समुदाय की सबसे प्रमुख विशेषता होती है सामुदायिकता। सामुदायिकता क्या होती है? जो चीज़ सामुदायिकता होती है वही चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों क्षेत्रवाद की भावना में भी हम देख सकते हैं। मतलब आपको क्षेत्रवाद मतलब क्या होगा? क्षेत्रवाद, वाद माने होता है विचारधारा, क्षेत्र मतलब क्या होता है? किसी स्थान की बात कर रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों किसी स्थान को, पर्टिकुलर स्थान को, प्रॉपर स्थान को एक मान लेते हैं कि कोई यह स्थान है, इस स्थान में कोई व्यक्ति रहता है और दूसरे स्थान में इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति है। मान लेते हैं ए जो है क्षेत्र का व्यक्ति बी क्षेत्र के व्यक्ति से क्या करता है, कहीं पर ये मान लेते हैं रोड से जा रहा है, ए क्षेत्र का व्यक्ति इधर से आ रहा है ए वाला, और बी वाला जो है ये इधर से आ रहा है, दोनों में क्या हो जाता है, दोनों में टक्कर हो जाती है। समझिए इसको, मान लेते ए वाला जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये साइकिल से था, किससे था, या साइकिल से था, और बी वाला जो था ये मोटरसाइकिल से था, क्या किससे था, मोटरसाइकिल से था। अब मोटरसाइकिल वाले ने गलती बी की, मान लेते गलती जो है आपकी बी की है, गलती हम मान लेते हैं कि गलती बी की है, मोटरसाइकिल वाले ने साइकिल को मार दिया और ए क्षेत्र वाला व्यक्ति जो है वो गिर पड़ा। अब मेरे प्यारे दोस्तों मान लेते ए वाला थोड़ा जो चला रहा था वह थोड़ा तटस्थ था, शरीर ठीक ठाक थी उसकी, अब होगा क्या, जो ए वाला व्यक्ति है या उठ करके मान लेते बी वाले को दो तीन एक प्रकार से चपाट लगा दिया, दो तीन जो है थप्पड़ इसको लगाया बी वाले को, तब तक बी वाले के क्षेत्र का कोई बंदा इधर से देख रहा था, मान लेते एक व्यक्ति था, एक मान लेते मंगरे, तो मंगरे व्यक्ति जो था जो कि बी क्षेत्र से संबंध रखता था, वह व्यक्ति देखा कि बी यानी कि बी क्षेत्र वाले व्यक्ति को, अर्थात इसको मान लेते हैं निरहू नहीं बोल सकते क्योंकि एक प्रकार से आगे मान लेते हैं इनको मान लेते हैं गोबरे, तो गोबरे नाम का जो व्यक्ति था उसको जब मार पड़ी ए के द्वारा, ए क्षेत्र के द्वारा, तो यहाँ पर गोबरे को बचाने के लिए तुरंत मगरे जो कि बी क्षेत्र से था, उसी गोबरे वाले क्षेत्र से था, उसने देखा कि बी को मार पड़ रही, तुरंत जो है मगरे आया, देह दशा इसकी मजबूत थी, सही तरीके से थी, आया ए के ऊपर एक प्रकार से हावी हो गया और ए को मारने लगा। अब यह एक प्रकार से ऐसी भावना जो होती है, इसी भावना को हम सामुदायिकता भी बोल सकते हैं, इसी भावना को हम क्षेत्रवाद भी बोल सकते हैं। जब भी बिना गलती देखे आप अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से लड़ने के लिए, मारने के लिए, एक प्रकार से उनको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसी को हम क्षेत्रवाद कहते हैं। मगरे को ये नहीं पता कि जो है टक्कर बी ने मारी है कि ए ने मारी है, लेकिन वह आया किसके तरफ से, बी क्षेत्र वाले, चूँकि जिस क्षेत्र से मगरे था उसी क्षेत्र से मगरे ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, मतलब कि लड़ना प्रारंभ कर दिया, आया उसको मारने लगा, तो कहीं ना कहीं पर इस प्रकार की भावना को हम क्षेत्रवाद कहते हैं। ठीक, क्षेत्रवाद जो होता है गलत सही नहीं देखता है, बस अपने क्षेत्र की तरफ से वह आता रहता है हमेशा। तो मेरे प्यारे दोस्तों समझिए, ये बात समझ में आ गई उदाहरण के माध्यम से, अब और हम आगे समझेंगे जो है जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे आपको। ठीक, चलिए जितने भी लोग नए आ रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है दहेज की अवधारणा, अथवा दहेज की अवधारणा। दहेज क्या होती है? इसको आप डोरी कहते हो अंग्रेजी में, क्या कहते हो आप? डोरी कहते हो। ठीक, एक मिनट प्लीज़ वेट करिएगा, पानी जल ग्रहण कर लें। हाँ, तो दहेज मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम दहेज देखिए, दहेज क्या होता है? दहेज आप लोगों को पता होगा, दहेज से आप लोग परिचित होंगे कि दहेज किसे कहते हैं।
दहेज नहीं समझते ना। चलिए मैं बताता हूँ, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी लोग देख रहे हो गुड इवनिंग, हाँ धन्यवाद आप सभी का मेरे प्यारे दोस्तों। राम राम भाई, नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। दहेज समझते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, हर एक टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलते हैं, ओके। चलिए दहेज की अवधारणा, दहेज क्या होता है मेरे भैया? तो दहेज जो होता है आपका, एक ऐसी रकम होती है, एक ऐसी एक प्रकार से वस्तु बोल सकते हैं या फिर एक प्रकार से मुद्रा। तो ऐसे मुद्रा का प्रचलन पहले जो होता था, दहेज के बारे में बात की, दहेज कैसे उत्पन्न हुआ इसको समझिए एक मिनट। पहले होता था राजा महाराजा क्या होते थे, उपहार के स्वरूप में, गिफ्ट के रूप में जो है, जब लड़की की शादी करते थे तो एक प्रकार से जो लड़का होता था उसको देते थे कि हाँ लड़की इतने दिन के लिए आपको दे रहे, मतलब लड़की आपके यहाँ पर जा रही है तो हमारी लड़की को कोई कमी ना हो, इसके लिए लोग दहेज देते थे वर पक्ष को, तो मतलब कि वर पाता था उसको। अब हुआ क्या, उसको धीरे धीरे क्या होता था, यह चीज़ें जो थी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बड़ी जाति यानी उच्च जाति के लोग यानी राजा महाराजा और ब्राह्मण वगैरह किया करते थे। उसके बाद में हुआ क्या, धीरे धीरे लोगों ने देखना प्रारंभ किया। अब जो है धीरे धीरे लोगों ने देखा कि निम्न वर्ग के लोगों ने भी देखा कि वहाँ पर जो है वो उस ब्राह्मण ने दिया था दहेज, उस ब्राह्मण ने अपने लड़की के शादी में दिया था। तो भाई वो छोटे जाति के लोग यानी जो निम्न जाति के लोग पहले हुआ करते थे, उन्होंने देखा कि ब्राह्मण ऐसा कर रहे, क्षत्रिय ऐसा कर रहे, तो वो भी वैसा करना प्रारंभ कर देते थे। इसी प्रक्रिया को हम संस्कृति के नाम से जानते हैं, संस्कृतिकरण के नाम से भी जानते हैं। तो संस्कृतिकरण के प्रक्रिया के तदुपरांत धर जो वहीं पर जो उपहार के रूप में दिया जाता था, धीरे धीरे जटिल परिवर्तन मतलब कि परिवर्तन होता गया और उसके बाद में आज हमारे सामने एक ऐसी समस्या, जटिल समस्या आ चुकी है जिसको हम दहेज के नाम से जानते हैं। तो दहेज पहले एक उपहार हुआ करता था, आज क्या हो गया है, वह दहेज बन गया है। और यह किसकी कारण हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो लगातार मेरे प्यारे दोस्तों, जिनके पास तो पैसा था वह दहेज देते थे, लेकिन उन्हीं के कारण से जो गरीब वर्ग का लोग होता था उनको भी देना पड़ता था। तो लगातार एक प्रकार से मानसिक चीज़ ऐसी बनती चली गई कि नहीं, लड़की की शादी करनी है तो दहेज देना पड़ेगा। आज दहेज एक जटिल समस्या बन चुकी है। भारत की बात की जाए तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में मेरे प्यारे दोस्तों, दहेज की बात की जाए तो दहेज के कारण से पता नहीं कितनी लाशें आपको देखने को मिलती हैं, पता नहीं कितनी महिलाएं आपको फांसी पर लटकी हुई दिखाई पड़ती होंगी। आप न्यूज़पेपर उठा करके देखेंगे, पिछले 5 वर्षों के न्यूज़पेपर को उठा करके देखिए, लगभग मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में जो है महिलाओं की एक प्रकार से संख्या में घटोत्तरी होकर हुई है। किस कारण से? दहेज के कारण से। ठीक, यहाँ पर समझते हैं। दहेज पहले क्या होती थी, एक परंपरा के रूप में आती थी, लेकिन अब दहेज का जो जटिल रूप है यह एक प्रकार सनातन धर्म की देन नहीं है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी बात समझ में आई। तो दहेज की अवधारणा को हम समझेंगे, दहेज का कारण क्या है, भारत में दहेज की स्थिति क्या है, वर्तमान में दहेज को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और किस किस प्रकार के कारण के मतलब कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिस कारण से दहेज आया है, ठीक, इसको समझेंगे, आगे समझते हैं और दहेज का तमाम प्रकार का जो रूप होता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, आगे समझते हैं। घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू हिंसा मतलब होता है कि घर में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, अब चाहे घर में आपकी औरत रह रही है, मतलब आप घर में बोल सकते हैं मेरे पास दोस्तों, चाहे वृद्ध हो रहा, चाहे कोई बालक हो, वैसे तो घरेलू हिंसा का तात्पर्य महिलाओं से होता है। किससे होता है? सीधा सीधा महिलाओं से। लेकिन आधुनिक समाजशास्त्री जो है इसको बालक और मेरे प्यारे दोस्तों जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं इन पर किए गए अत्याचारों से भी है। मतलब जब आप किसी कोई व्यक्ति मान लेते, जब आप बालक महिला और बुज़ुर्गों पर क्या करते हो, जो कि असहाय हैं, जो कि एक प्रकार से आपके आपको मतलब मार नहीं सकते, मान लेते हैं आपके घर में कोई व्यक्ति है और आप उसको मार नहीं सकते हो, मतलब आप मालिक हो घर के और आपको कोई आपका बच्चा है, आपका लड़का है और आपकी जो है पत्नी है, आपके माता पिता हैं, आप जवान हो, आप उनको मारते पीटते हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बीबी हो आपके और चाहे माता पिता हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर उन पर आप अत्याचार करते हो, मतलब अगर इन पर अत्याचार करते हो और वह पलट करके आपको जवाब नहीं दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की गई हिंसा को हम क्या कहते हैं? घरेलू हिंसा के नाम से जानते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने घरेलू हिंसा को किस प्रकार से परिभाषित किया है इसको आपको चैप्टर में जब वीडियो बताऊँगा तो उसमें समझा दूँगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं पर जब भी हम महिलाओं पर, घर में रह रहे लोगों पर अत्याचार करते हैं और वह पलट कर हमको जवाब देने योग्य नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस प्रकार की हिंसा को हम घरेलू हिंसा के नाम से जानते हैं। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? तो भैया अगर बात समझ में आ रही है तो थम्सअप वाला बटन दबा दो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार से मज़ा आएगा आपको, पूरे के पूरे जो है
चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है, एक एक चैप्टर जब समझेंगे उसमें विस्तार समझे, घरेलू हिंसा के कई प्रकार होते हैं, किस किस तरीके से हिंसा हुई है, इन सभी को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर 10 के अंतर्गत हम विवाह विच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? विवाह विच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और विवाह विच्छेद क्या होता है इसको समझे, विवाह विच्छेद समझिए, तलाक जिसको आप, जैसे तलाक जो है या उर्दू शब्द है, तलाक क्या है? उर्दू शब्द है। तलाक जो है या उर्दू शब्द है। तलाक जैसी व्यवस्था मुस्लिम से जो है शादियों में, मतलब मुस्लिम से धर्म में होती थी, लेकिन हिंदू धर्म की बात की जाए तो तलाक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और जब तलाक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों उसमें हिंदू धर्म में, तो उसके लिए क्या किया गया है, उसमें भी बहुत सारी महिलाओं को एक प्रकार से प्रॉब्लम्स हुई कि जो है वह अपने पति के साथ खुश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा एक नियम बनाया गया, सरकार के द्वारा एक जो है प्रकार से विवाह अधिनियम आया। क्या आया? विवाह अधिनियम आया मेरे प्यारे दोस्तों। और वह अधिनियम जो था वह एक प्रकार से कब आया था, तो एक 1954 ईस्वी में आया। और एक आया विशेष विवाह अधिनियम करके, विशेष विवाह अधिनियम मतलब कि हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष हिंदू विवाह अधिनियम है, फिर विशेष विवाह अधिनियम। तो हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम 1954-1955 ईस्वी में दोनों आए थे। ठीक, अब ये नहीं पता कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, इसको मैं देख लीजिएगा, चैप्टर पढ़ाऊंगे तो विस्तार से बता दूंगा। ये दोनों आए मेरे पास 1954-55 की बात है। तो यहाँ पर जब ये आए तो इसमें बताया गया कि हिंदू में भी अब एक प्रकार से एक व्यवस्था लाई जाए जो कि तलाक की ऐसी होती है, इसको आप जो है क्या कहते हैं, विवाह विच्छेद। ठीक, तो विवाह विच्छेद या एक प्रकार से विवाह विच्छेद जो है हिंदुओं में लाया गया। विवाह मतलब आप समझते हैं कि सात जन्म का एक प्रकार से बंधन होता है, तो यहाँ पर जो है विवाह हिंदुओं में क्या होता है, एक प्रकार से क्या होता है, संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है हमारे हिंदुओं में। जबकि मुस्लिम से में क्या होता है, समझौता होता है, मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जबकि हिंदू मैरिज इज अ संस्कार। ओके, मतलब यहाँ पर समझे, विवाह मतलब होता है विवाह और विच्छेद मतलब होता है कट जाना, मतलब विवाह का खात्मा हो जाना, उसी को हम विवाह विच्छेद कहते हैं। अब धीरे धीरे विवाह विच्छेद जो था मेरे भाई, धीरे धीरे जो विवाह विच्छेद था या विवाह विच्छेद मेरे प्यारे दोस्तों समस्या में बदलता हुआ चला गया। अब थोड़ी सी कोई बात होती है तो पत्नी पहुंच गई एक प्रकार से हाई को, मतलब कि एक प्रकार वकील किया, तुरंत ले तलाक हो गया। इसी प्रकार से एक समस्या बन चुकी थी अब, तो विवाह विच्छेद अब समस्या भी है एक प्रकार से और मुद्दा भी है। विवाह विच्छेद समस्या भी है, आपका मुद्दा भी है। अब जब विवाह विच्छेद चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, वैसे इन सभी के से संबंधित लेक्चर अगर आपको देखना ही है तो आप देख लीजिएगा, उसमें हमने विस्तार से विवाह विच्छेद के कारणों को, विवाह विच्छेद क्या होता है इसको समझाया है, उसको आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, वैसे इनका चैप्टर जो है बोर्ड पर आपको अच्छे से तरीके से विवाह विच्छेद के बारे में समझाएंगे। ठीक है, समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, विवाह विच्छेद आपके जो है सामने हो गया, यानी विवाह विच्छेद मतलब सीधा सा तलाक। विवाह विच्छेद के कारण को समझेंगे, कौन कौन से कारण से विवाह विच्छेद आज भारतीय मतलब कि एक प्रकार समाज में अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं। आगे समझते हैं 11वां नंबर चैप्टर के अंतर्गत हम समझेंगे अंतर पीढ़ी संघर्ष और अंतः पीढ़ी संघर्ष, इनमें लेकर के एक प्रकार से क्या पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर पीढ़ी संघर्ष और अंतर पीढ़ी संघर्ष मेरे प्यारे दोस्तों बात की जाए तो दोनों में अंतर को लेकर के लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतः पीढ़ी संघर्ष जो होता है, यानी दो प्रकार के एक अंतः पीढ़ी, ध्यान रखेंगे, अंतः पीढ़ी संघर्ष एक होता है और एक अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है। तो जो अंतः होता है, अंतः मतलब होता है क्या, अंदर, अंतः मतलब क्या होता है, अंदर, और अंतर मतलब क्या होता है, बाहर, अंतर मतलब क्या होता है, बाहर, समझिए। तो अंतः मतलब अंदर और अंतर माने बाहर, यहाँ पर के लिए बता रहा हूँ। वैसे अंतर माने जो है एक प्रकार से घटाव भी होता है, ठीक, समझिए। तो जब, और ये किसकी बात कर रहा है, पीढ़ी संघर्ष। पीढ़ी क्या होती है, जैसे कि आप हो और आपके पिताजी हैं, आप हो मेरे प्यारे दोस्तों और आपके पिताजी हैं,